What's your name? Nair, what's your name? Pratik. तो गाइज हैंग आउट हॉस्टल में हूँ और आज पहला दिन है और मैं जैसे ही आया तो यार यहाँ पे कोई है तो नहीं मेरे पास, लेकिन जब मैं खाना खा के आया और जो भी मैंने आपको समझाया कि ऐसा 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 प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की दिक्कत है पिछले वीडियो में, तो अभी जैसे ही ये ख़त्म हुआ तब मेरी पीछे नज़र गई और मुझे ये मिले। हेलो इंडिया से, भुवनेश्वर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिप्लब और मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से नहीं, उनसे अच्छा आसपास बालासोर से हूँ। अच्छा, मैंने इनको वही कहा। हाँ, ये मेरा सेकंड डे है होची मिन सिटी में। और कैसा लगा कल, क्या क्या घूमे थे आप? कल तो इतना नहीं घूम पाया था क्योंकि मैं पहुँचा या पहुँचते पहुँचते हो गया 4:30 बजे। अच्छा, इवनिंग को और बहुत टायर्ड हो गए थे इसलिए 1 घंटा सो लिया पहले। तो अभी सुबह आज घूमे? हाँ आज ही घूमा मैं। सुबह घूम के आए? चर्च वगैरह वो सब? हाँ, चर्च और वो टेम्पल जो है, पता नहीं वो क्या क्या नाम बोले थे, याद नहीं आया इतना, लेकिन अच्छा है, ओल्डेस्ट टेम्पल है उनका। अच्छा। कुछ हिस्ट्री भी है शायद, वो पहले समुंदर के बीच में था, वो खुद चल के टेम्पल यहाँ है। अच्छा। उन लोगों का मामला है। कितना दूर है यहाँ से? पासी में है। पासी में? नहीं भाई, बाय वॉक है क्या? नहीं नहीं, 5-6 किलोमीटर के। 5-6 किलोमीटर आप यहाँ एक ग्रैब बुकिंग करके भी जा सकते। हाँ वही करूँगा, वही बेटर। मैं भी अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद स्काई डेस्क इनके साथ जाऊँगा। ये कह रहे हैं कि स्काई डेस्क जाना है आज, ये वो। मैं बोला 1-1.5 घंटा रेस्ट करता हूँ यार, बिकॉज आया जैसे ही चेक इन किया फटाफट भूख लगा था, खाना खाने गया, उसके बाद अभी आया। तो इनसे वही बात, इनको वही कहा कि पिछले साल मैं भी भुवनेश्वर आया था, क्योंकि मलेशिया की फ़्लाइट थी मेरी तो भुवनेश्वर से ही थी, तो भुवनेश्वर भी थोड़ा रुका था, लिंगराज टेंपल वगैरह घुमा था। तो क्या होची मिन सिटी आप यूट्यूब से देख इंस्पायर होके आए क्या ऐसा? डेफिनेटली येस, नो तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अकेला सोलो ट्रैवलिंग और विदाउट इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट है। मजा आता है, जैसा यूट्यूबर जो होते हैं वो टोटल इंफॉर्मेशन देते हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से फियरलेसली कोई भी घूम सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी आराम से घूम सकता है। नहीं, और मजा आता है सोलो ट्रैवलिंग का, अपना ही मजा है, और फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं तो पहले थोड़ा, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप सोलो ट्रैवल? नहीं नहीं, सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड आया था। मैं भी अभी बैंकॉक पता है होकर ही आया हूँ। मैं भी फुकेट गया था। अच्छा, मैं बैंकॉक पताया, वहाँ से दानांग। दानांग बहुत अच्छा है। हाँ, दानांग मैं देखा अभी आपका फोटो वीडियोस देखा। हाँ, बहुत ही अच्छा है। इनका प्लान है हैनोई, मैंने हैनोई नहीं किया, हैनोई मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे दानांग जाना था, क्योंकि होयान से इम्प्रेस था, मैं काफ़ी इम्प्रेस था, बट यार दानांग ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करा है। आपने पिछले वीडियोस में देखा रहेगा, मैंने दानांग की बहुत तारीफ़ की है, बिकॉज दानांग रियल में अच्छा है, काफ़ी एकदम सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। तो आप कल जा रहे हो हैनोई? हाँ, कल जा रहा हूँ हैनोई। हैनोई से वो जो एक होलांग बे है, हैलोंग बे। हाँ, हैलोंग बे अच्छा है, वो भी अच्छा, वो भी एक दिन का टूर है, उसके बाद रिटर्न। और हैनोई में भी अच्छा जगह है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, डेफिनेटली अच्छा। देखो तीन चीज़ है ना वियतनाम में, ये साउथ में होची मिन हो गया, नॉर्थ में हैनोई और बीच में दानांग है, तो दो चीज़ें कवर कर दो तो काफ़ी अच्छी बात है। होची मिन तो होती है इंसान से, बिकॉज चीप टिकट्स या तो इंडिया से जाने के लिए या आने के लिए आपको इजीली होची मिन सिटी से मिल जाती है। अब मेरा डिपार्चर वापस होची मिन से बैक टू इंडिया ही है, तो बिकॉज टिकट्स भी चीप थी और ऑफकोर्स ये सिटी तो आना बनता भी है, बिकॉज यू नो एक सबसे डेवलप सिटी ऑफ वियतनाम है, तो होची मिन सिटी तो आना बनता है। उसके साथ साथ आप, ठीक है आपके पास शेड्यूल अच्छा खासा है तो आप तीनों सिटी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों में अलग आपको एक्सपीरियंस होगा। बट मैंने दानांग चूज़ करा था बिकॉज होयान जाना था, तो होयान दानांग, होयान में स्टे लिया, दानांग में स्टे लिया, अब होची मिन सिटी में ऐसा। और वियतनाम काफ़ी आगे बढ़ रहा है टूरिज्म के मामले में, सच बताओ। और एक चीज़ मैंने इनको भी बताया था दानांग में, कि इंडियन टूरिस्ट होयान में दानांग में है ही नहीं, कोई नहीं था। अभी ये भी जा रहे हैं, पहली बार सुना हूं, और कोई भी यूट्यूबर मतलब अपलोड ही नहीं किया, नहीं किया, सिर्फ होची मिन सिटी टूर के सर्चिंग करता हूं यूट्यूब में, तो उसमें होची मिन सिटी हैनोई दिखाते हैं, होची मिन मेन है, 80% होची मिन, 20% हैनोई, दानांग होयान नहीं। तो मैंने जगह देखी, मैं काफी इंप्रेस हुआ, तो मैं सोचा था यार दानांग होची मिन तो जाना, या होयान जाना ही जाना है, तो इंडियन वहाँ पे थे ही नहीं ज़रा भी। मैंने आपको वीडियो पूरा साइकिल टूर कराया होयान का, सब कुछ आपने देखा रहेगा, इंडियन टूरिस्ट ही नहीं था यहाँ पे, बहुत मिलेगा या तो या फिफ्थ, मतलब समझो ना ये हॉस्टल में भी मुझे 50% इंडियन टूरिस्ट ही है। हाँ अच्छा बोलो,
50% इंडियन टूरिस्ट है, मतलब बहुत। रात को देखोगे पूरा इंडियन टूरिस्ट ही होगा। ये अपने रूम में अभी नीचे रात को खतरनाक होता है यार, अगर आप पार्टी लवर हो। हाँ, वो है। जो पब गर्ल होते हैं वो आपको पूरा टूरिंग कराएंगे, फ्री में दारू पिलाएंगे, वो सब। टूरिंग कहाँ होता है? वही जो वॉकिंग स्ट्रीट होता है उसमें वो टूरिंग करे। कल क्या हुआ, मैं थोड़ा टायर्ड हो गया था, मैं बोला कि नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ। उस टाइम बज रहा था शायद 12 बजे। वो आके पूरा जो गेट के सामने खड़े हो गए क्योंकि नहीं जा सकते वो। अभी फिर कहाँ जाना है, नहीं हमारे साथ चलो। फिर वो पता नहीं वो क्या बैच वैच लगा दिए और साथ में चलो। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। आज है वैसा? अरे हर दिन रहता है उनका। अभी मैं उनको हाथ जोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है कल। और पता नहीं 4-5 दिन से ठीक से सोया नहीं हुआ, थोड़ा सोऊंगा। आपको पता है मेरा ये होयान में क्या हुआ? जो हॉस्टल में रुका था बहुत ब्यूटीफुल हॉस्टल थी, और मेरे रूम में 8 बेड्स थे, 7 लड़कियां थी, मैं अकेला लड़का। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, लास्ट ट्रिप थाईलैंड में ही ऐसा ही हुआ था। अभी थोड़ा साई फील होता है क्योंकि उन लोगों का तो मतलब वो तो क्या है, उन लोगों का वेस्टर्न कल्चर है। हाँ, हमारे कल्चर बहुत शाय, ऐसा देखा नहीं, नहीं, नहीं बहुत। और कैसा है कि एकदम अनकंफर्टेबल होते हैं। हाँ, और ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, कभी कभी, हाँ कभी कभी अपने को लगता है अरे यार कहीं वो लोग अपने को गलत तो ना समझ रहे कि यार फिर भी बैठा है, फिर भी सो रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर चले जाए। और अभी जो नींद खुला है, मैं भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब घर से उठो और बाहर घूमो, दुनिया बहुत सुंदर है, कोई भी कंट्री जाओ, कुछ भी जाओ। मैं देखने को सुनने, मैं हमेशा इनको वही कहता हूँ कि घूमो फिरो, लेकिन सबसे पहले ये करो कि खुद के पैर पे खड़े रहो। मॉम डैड से पैसा लेके घूमना मत करो, खुद के पैर पे खड़े रहो। कितना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल खुद को दो, वेट करो ना थोड़ा, एक बार हो जाओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद घूमो। किसी पे भरोसे मत रखो, क्योंकि ट्रैवलिंग में इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, ये आपका खर्चा है। खर्चा कभी भी करना है, कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप मांग के कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि रिटर्न्स होए गए, तो वो आप मांग के करो। तो इसीलिए तो पहले मैं कितना ब्रेक लेता था ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मेरे को पहले से पसंद नहीं है घर से पैसा मांगना वगैरह। जो भी मैं किया हो आज तक, जो भी ट्रैवल किया हो, खुद के पैसे से करता हूँ। अभी थोड़ा यू नो, अभी 3-4 महीने पहले हांगकांग मकाऊ गया, अभी तुरंत एक और ट्रिप कर रहा हूँ। तो बिकॉज अभी जैसे जैसे सेटल होता है आदमी, वैसे वैसे वो ईजी हर चीज़ यू नो कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद के पैर पर खड़े रहो, तभी कुछ करो। मेरा लास्ट मैसेज है, घूमो जितना हो सकता है, घूमो लाइफ में, पूरा वर्ल्ड देख लो, पता नहीं कल क्या होगा, नहीं हुआ कल रहे या ना रहे। अभी रात को देखते हैं कौन कौन मिलेगे, जैसे इन्होंने कहा है यार बहुत से इंडियंस है, तो यार अरे पूरा सॉलिड बंद है यहाँ। कल जो डांस हुआ ना, हाँ डांस हुआ यहाँ पे, अरे भयंकर यहाँ हुआ, फिर पब में हुआ, थोड़ी बारिश आना चालू हो गई, देखो। अच्छा बंद हो जाएगी, इतना बारिश नहीं होता है, कल में जो पहुंचा बारिश हो रहा था पूरा। गैलरी है, 3rd फ्लोर है यार, 3 माला चढ़ना उतरना यार, लेकिन क्या करें, हालत खराब हो जाती है पूरा। कोई बात नहीं भाई, सस्ते में मिला है। अच्छा अभी मुझे थोड़ा टायर्ड हो रहा था, लेकिन भाई से बात करके मतलब एकदम मस्त। मुझे भी अच्छा लगा, मैं खुश हो गया यार कि इंडियन खाना तो मुश्किल, मतलब वेजिटेरियन खाना मुश्किल से मिल जाता है, लेकिन इंडियंस तो भर मतलब। तो अभी जस्ट नीचे उतरे भाई साहब के साथ, अभी इंडियंस 2 मिल जाते हैं दूसरे देश में तो यू नो साथ में प्लान बन ही जाता है कहीं जाने का। 1 सेकेंड, रोड क्रॉस कर, हाँ तो साथ में प्लान बन ही जाता है। तो फिलहाल हॉस्टल के नीचे उतरे तो थोड़ा सा मेरे को थ्रोट में इन्फेक्शन लग रहा था, तो मैंने स्ट्रेप्सिल्स लिए अभी फार्मेसी से, पता नहीं कैसे थोड़ा थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इन द सेंस थोड़ा कफ है, इन्फेक्शन तो मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। तो स्ट्रेप्सिल्स लिए, 22,000 डॉन्ग, यानी कि कह सकते हो आप $1, तो लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? स्काई बार तो जाते हैं स्काई बार, और देखते हैं कि आपको पता ही है स्काई बार वगैरह ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरा ये है क्या बोलते हैं इसको, सिग्नेचर है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना स्काई बार जाता ही हूँ, चाहे वो हांगकांग हो, बैंकॉक हो, दुबई हो, मलेशिया हो, मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज स्काई डेक वगैरह आप जाओगे यू नो टिकट प्राइस दोगे, इससे अच्छा वही टिकट वही प्राइस में आप स्काई बार में जाइए और कुछ खाइए पिए और इन्जॉय कीजिए सेम व्यू, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अभी स्काई बार है यहाँ से 8 मिनट बाय वॉक, अभी जाते हैं, चिल स्काई बार नाम है उसका, तो अभी जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं स्काई बार का चिल। गाइज हम पहुँच गए हैं चिल स्काई बार, जो कि 26th फ्लोर पे, 26th फ्लोर, ये सबसे लोएस्ट आप मान सकते हो स्काई बार है अब तक की। बिकॉज मलेशिया में मैं हेली लाउंज में गया था 32 फ्लोर, हांगकॉन्ग में
118 माले पे गया था ओजोन में, फिर बैंकॉक में 64th फ्लोर पे गया था, फिर कहाँ गया था, दुबई में क्लब 41 लेवल 41 तो 41 फ्लोर पे, तो ये 26th फ्लोर पे ही है, लेकिन इसका व्यू बहुत क्लास है, देखो आप। अच्छा ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना, तो वो है स्काई डेक, वहाँ पे कुछ ढाई लाख डोंग फीस है, तकरीबन होते हैं $11 देके आप उसमें जाओ स्काई डेक, यू नो सेम व्यू, ठीक है वो थोड़ा ऊपर है, वो कुछ 48-49 फ्लोर है, 26 फ्लोर है, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग सेम ही व्यू है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर वहाँ $11 खर्च करने से अच्छा, यहाँ कुछ $11 में दो जन के लिए आराम से कुछ आ जाएगा, जैसे कि मैंने एक वेजिटेरियन स्टार्टर मंगाया चिप्स वगैरह, वो है कितने में पड़ा, 90,000 वियतनाम डोंग में, ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा 70%, तो आप मान सकते हो 1,05,000 डोंग, होता है $4.5। इन्होंने भी सेम वही रेट में एक मॉकटेल मंगाया है, सेम रेट है, तो होते हैं सिर्फ दो जन का $9। अगर सिर्फ टाइम पास चिल मारने के लिए $9 खर्चा कर रहे हैं बजाय दो जन का $22 वहाँ देखकर, तो इससे बेटर और क्या, और सेम व्यू है लगभग, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरा सिग्नेचर है, ये मेरा कि कोई भी कंट्री में जाऊँ स्काई बार ज़रूर जाता हूँ मैं। सो एक्सपीरियंस कीजिए और अनुभव कीजिए इस अमेजिंग क्लिप्स को जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। गाइस चीज़ें जो मंगाई थी वो आ गई है, कुछ इस तरीके से है, मेरे को कम समझ में आ रहा है, पूरा वेजिटेरियन है नो डाउट, थोड़ा फ्राई वाला है, यू नो सब फ्राइड है, लेकिन ठीक है सब वेजिटेबल्स का ही है, आलू है, बीट है और कद्दू है, तीन चीज़ें मुझे पता चली है, बाकी भगवान जाने है, लेकिन वेजिटेबल का ही है सब कुछ, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये समर सॉल्ट ऐसा कुछ है, समर सॉल्ट। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी काफ़ी क्लास है, यू नो वहाँ पे टीवी वगैरह भी है, ये मैं फ्लाइट से देखा था, मैंने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है सेम कॉपी है बुर्ज खलीफा की, मैं सोचा यार मैं जैसे ही आँख खुली सामने बिल्डिंग में बोला ए भाई दुबई लेके आया क्या दनांग से मतलब पायलट क्या दुबई लेके आ गया क्या, फिर क्योंकि सेम लगभग वैसा ही दिख रहा है, लेकिन काफ़ी छोटा है, उससे आधा साइज भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। गाइस यहाँ से साफ पता चलता है कि होचीमिन सिटी की ट्रैफिक कितनी खतरनाक है। ट्रस्ट मी अपने मुंबई दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी फ़र्क ये चीज़ का है कि यहाँ पे सब टू व्हीलर्स वगैरह है। तो व्हाट्स योर नेम? प्रतीक, फॉर यूट्यूब, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, so I'm making vlogs. तो कहने का मतलब है कि भाई ट्रैफिक यहाँ सच बताओ तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, बट यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहे, आप कंटिन्यू देखिए कि गाड़ियाँ वगैरह सब जा रही है, यू नो हाय, सो हाय, लेकिन ट्रैफिक, अरे यार बात करने दो भाई मेरे को मेरे व्यूअर्स से तो ट्रैफिक जाम नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज रीज़न इज सिंपल के टू व्हीलर्स 90% है, फोर व्हीलर्स 10% है, तो कहने का मतलब है टू व्हीलर्स को प्रमोट करना चाहिए, एक जन या दो जन है तो टू व्हीलर्स यूज़ करो बजाय फोर व्हीलर्स के, हमें कोई मतलब लग्जरी दिखाने के लिए हम फोर व्हीलर यूज़ करते, बाकी टू व्हीलर्स, और मैं तो चाहता हूँ टू व्हीलर्स में, जैसे कि एक बहुत बड़े ब्लॉगर ने भी अभी हाल ही में एक वीडियो में कहा है
कि टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को प्रमोट करना चाहिए बजाय फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक पहले लाए, पहले टू व्हीलर इलेक्ट्रिक लाए। तो ये मैं भी वाकिफ हूँ इस चीज़ से 100% के पहले टू व्हीलर्स को प्रमोट करो इलेक्ट्रिक, ताकि अपने देश में भी ट्रैफिक भले ही हो लेकिन यू नो कंटिन्यू फ्लो रहे उस ट्रैफिक का। विद दैट सेट यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, कहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ होचीमी सिटी वियतनाम, लेट्स गो। अच्छा, बिल की बात करूँ तो आपको पता ही है कि तकरीबन आया 234,000 डोंग, समझ जाओ इंडियन करेंसी में कितना है यार, कितना होता है 9.5 US dollar, 10 US dollar, 700 रुपया, ठीक है, दो जन का 700 रुपया, ठीक है। चले बिल दे रहे हैं, दे दो बिल दे दो, फिर देख लेंगे। गाइस, जैसे कि आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि यार ये ट्रैफिक का फ्लो कहीं भी नहीं रुक रहा है, बिकॉज टू व्हीलर की भरमार देखो आप, कितनी कम है फोर व्हीलर और कितनी ज़्यादा है टू व्हीलर, या फिर डायरेक्ट बस ही है, पब्लिक बस ही है, अगेन अ गुड ऑप्शन, यू नो।